आज 500 साल बाद कई लोगों ने बलिदान कितना एक संघर्ष रहा और आज जो सपना पूरा हुआ है क्या? देखिए मेरे पिताजी का भी सपना, हमारे पिताजी अपने राह में होते तो आज हम मेरे पिताजी मेरे नहीं, आज मैं उनको बड़ा याद, आज वो रहते तो बहुत खुश हूँ। और ये तमाम लोग जो बलिदान हुए, तमाम लोग जो 500 साल से कई कार सेवक और कई लोग और पूरा देश, एक हमारे संस्कृति, एक राष्ट्र और संस्कृति, हमारी संस्कृति को जीवित रखना था। भगवान राम, हमारे राम, अपने राम को उनकी गद्दी से हटा दिया गया, वो गद्दी आज उनको 500 साल बाद मिल गई, वो अपनी स्वयं की गद्दी। तो मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, पूज्य महाराज जी को और जितने लोग भी, जितने भी अखाड़ा इससे जुड़े रहे, जितने भी साधु संत, जितने भी देशवासी, विश्व के लोग आज जुड़े, मैं सबको नमन करता हूँ, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आज एक हिंदू, एक सनातन धर्म की जीत हुई। आज हमारी संस्कृति कई पुरखों तक, आने वाली पीढ़ियों तक एक हमारी जीवित संस्कृति रहेगी। हम लोगों की पहचान की लड़ाई थी, हमारे भगवान की लड़ाई थी, आज हमारे भगवान अपने गद्दी पर दोबारा विराजे। इससे बड़ा दिन, इससे बड़ा दिव्य दिन एक हिंदू के लिए, एक सनातन धर्म के लिए, इस भारत वर्ष के लिए क्या होगा कि हमारे भगवान, अब जब संस्कृति नहीं तो देश क्या, जहाँ हमारे भगवान को स्थान नहीं तो देश क्या, और वो सांसद क्या, और वो जो भी राजनीति पार्टी क्या, दल क्या, जो कि हमारी धरती है, ये सनातन धर्म की धरती, आज उसको एक स्थान मिल गया। और मैं यशस्वी प्रधानमंत्री को कोटि कोटि नमन करता हूँ, हमारे पूज्य महाराज जी को, क्योंकि नाथ संप्रदाय, ये मंदिर, गोरक्षपीठ भी इस लड़ाई में। तो आज मैं जितना प्रसन्न हूँ, और आज अपने पिताजी को मैं बहुत याद करता हूँ, अगर आज वो होते तो नाचते। I'm